और बताइए दादा, कुछ मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो ज्यादा सुरंग बनी हुई है ऊपर, ये गुप्त मार्ग के लिए रास्ता। अच्छा, वो चालू नहीं है? बंद है। अच्छा, वो कभी चालू थी? आप लोगों ने कभी देखा? हम लोगों ने बंद ही देखा। बंद ही देखा है वो। शेषासुरी 1545 मई को मारा गया। शेषासुरी का राजा कीर्त का युद्ध हुआ था, राजा की लड़की का नाम था रानी दुर्गावती। अच्छा, रानी दुर्गावती ने युद्ध लड़ा है, लड़ने के बाद फिर उनकी बाद में शादी हुई, मंडला में शादी हुई दलपत साय के साथ। अच्छा, ये होता जो राजा मान सिंह महल में जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये टूटी हुई है, तो फिर औरंगजेब कब आया था? ये जब राजा कीर्त समाप्त हो गए, राजा कीर्त के लड़की धरती लड़का थे नहीं, वो समाप्त हो गए, तो ये किला वीरान हो गए। अच्छा, तो यहाँ औरंगजेब ने चढ़ाई की, यहाँ औरंगजेब ने चढ़ाई की। उस समय पन्ने के राजा 6 साल थे, उन्हें पता चला, उनका राज तिलक नहीं हुआ था, सिर्फ राजा नाम से थे। अच्छा, जब यहाँ इस किले में आए, फौज फाटा लेके उनके साथ में युद्ध किया, उनको यहाँ से भगाया। जब यहाँ से भगाया तो फिर राजा 6 साल का शासन हुआ इस किले में। राजा 6 साल का एक फकीर ने वरदान भी किया, छत्ता तो रे राजमा दग मग धरती हो, जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे वहाँ वहाँ ही जाओ, सूर उदय से सूर अस्त तक जहाँ तक आपका अस्तुदा उड़ जाएगा वहाँ वहाँ ही पैदा होगा। अच्छा जी, किसने बोला ऐसा? ये एक फकीर ने राजा 6 साल को वरदान दिया था। तो राजा 6 साल का शासन हुआ, उनके 4 बच्चे थे राजा 6 साल के, वो आपसी में गद्दी के चक्कर में चारों भाई जूझ गए। अच्छा, अमान सिंह राजा जो थे, ये राजा 6 साल के नाती है, लास्ट शासक हुए इसके लिए राजा अमान सिंह। जी जी जी, पहले तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य रहे, तो यहाँ अंग्रेज भी रहे। जी, अंग्रेज वो भी बता रहा हूँ मैं, जब राजा 6 साल का शासन यहाँ हुआ। जी जी, तो उनके मानधर 14 मंत्री थे, नन्हू के 14 मानधर 14 यहाँ के मंत्री थे, वो अंग्रेजों से मिल गए। तो अंग्रेजों ने उनको 14 गांव जगीर में दिया, धन दौलत दिया, वो अंग्रेजों से हाथ बिक गए। तो राजा अमान सिंह को उन्होंने कस्टडी में लेने का कहा, तो ये मुगलों अंग्रेजों ने राजा अमान सिंह यहाँ से गुप्त मार्ग से नहीं निकल के पन्ना चले गए। अच्छा, अंग्रेज ने फिर यहाँ कब्जा कर लिया? फिर वो लोग छोड़ के चले गए थे। हाँ, किसी ने मतलब उनसे आक्रमण नहीं करने के ऊपर? फिर राजा अमान ऐसे बुद्धिजीवी थे, हम लोगों के पूर्वज बताया करते हैं, तो गाना बनाए थे कि कहाँ गए राजा अमान रो रही बन की चिड़ी, वो पशु पक्षी की भाषाओं को ज्ञान रखते थे। दोनों लाओगे? हाँ, दोनों ही लेके आए हम लोग। यार वीडियो गंदा कर रहा है बार बार, शकल दिखा के अपनी। फोन तुम्हारी शकल डिटेक्ट भी नहीं करेगा, बोलेगा नॉट अवेलेबल। और बच्चा तो यार, ये बच्चा है जिनका नाम सुरेश है, इन्होंने हमारे लिए बाइक अरेंज किया है और हमें ऊपर तक लेके आए बेचारे, बहुत हमारा ख्याल रखें, कल रात में खाने पीने का भी इन्होंने हमारा ख्याल रखा था। तो बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तो कैसा लग रहा है हमारे साथ घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। चलो, और अगली बार आएंगे तो मिलोगे जरूर? नहीं, जरूर मिलेंगे। जरूर मिलोगे कि नहीं मिलोगे? मिलेंगे। और इसके साथ? इसके साथ भी मिलेंगे। नहीं, इससे मत मिलना, वही है ये वो कमान हानि का।
डराकू होते हैं। कैसे बादल छट रहे हैं इधर, पूछो बादलों से कैसे। बादल नहीं, बादल जी ब्रो, लुक बादल जी कह रहा है। यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता जाता है सीधे शंकर जी के द्वार पे, तो आइए चलते हैं विख्यात नीलकंठ के मंदिर में। गजब की नक्काशी की गई है मूर्तियों की, आप देख पा रहे होंगे। सारी मूर्तियाँ टूटी हुई रहती हैं, काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। जय भोलेनाथ महाराज, जय भोलेनाथ महाराज। वो जो वहाँ पे बड़ी वाली मूर्ति रखी है टूटी, वो किनकी मूर्ति पड़ी हुई है? यहाँ के पंडित नहीं है ना। अच्छा, यहाँ के नहीं हैं पंडित जी, वो वहाँ पर बैठे हैं। ठीक ठीक। कब आ गए थे? रात ही में आ गए थे क्या वापस? सुबह। अच्छा सुबह आए हैं। अच्छा 5 बजे थे। चलिए जी, जिस समय भगवान शिव का मंथन हुआ है जी, जी पान किया प्रभु ने जी, जिन्हें पान करने के बाद प्रभु का कोप नीला पड़ गया। शंभु थे, जब इन्होंने हलाल किया जहर पान किया, समुद्र मंथन हुआ तब इन्होंने मुंह पा दिया, तो उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से इनका नाम नीलकंठ पड़ गया प्रभु का। ये शंभु है, चल के आए हुए हैं यहाँ पे। ये माँ काली के स्थान है, यहाँ भगवान विराजमान है, माँ काली के स्थान। अच्छा, तो जब माँ जब प्रभु यहाँ आए तो यहाँ 3 जगह रुके, काली जगह किला पे 3 जगह रुके प्रभु। उनको पहले सुरसुर गंगा पे रुके प्रभु, वहाँ उनको शांति नहीं मिली। फिर एक बलखंडेश्वर स्थान है, उनको वहाँ पे भी शांति नहीं मिली। फिर पताल गंगा भगवान पहुँचे, तो जब पताल गंगा पहुँचे तो प्रभु को, जब पताल गंगा पहुँचने के बाद ऋषियों ने कहा कि प्रभु भक्त जो आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे, कष्ट जी जी बहुत कष्ट मिलेगा जी जी, और आप ऐसी जगह होंगे जहाँ प्रभु आपके दर्शन सब भक्तों को मिले। तो प्रभु फिर जब यहाँ आए तो माता जी ने अपना स्थान लेके कलकत्ते विराजमान हो प्रभु विराजमान। ये मुखारविंद मूर्त है। अच्छा, शिवलिंग नहीं, मुखारविंद मूर्त है। अगर प्रभु की इच्छा है तो आप दर्शन करेंगे, अगर बाबा की इच्छा नहीं तो आप दर्शन नहीं करेंगे। शालों से तैयारी बनाएंगे आप इन शिक्षण तो आपको हर तरह से परेश बाधाएं आएंगी। और जब बाबा को बुलाना है तो बाबा आपको अटेंडम बुलाएंगे। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ टूटी हुई हैं तो ये किन? औरंगजेब थोड़ी थी। अच्छा, वही जो राजा मानसिंह महल में भी रखी हुई हैं कुछ। अच्छा, वहाँ पे जो बड़ी वाली मूर्ति, बड़ी जो लेटे हुए हैं,
तो वो तो कोई स्त्री जैसे लग रहे हैं। विष्णु भगवान वो थोड़ा सा क्या मूर्त गिर गई थी। अच्छा अच्छा वो जो बड़ी विशाल मूर्ति पड़ी हुई। हाँ 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 भगवान भोलेनाथ। अच्छा और उनके बगल में कौन है? भगवान के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं। अच्छा कार्तिकेय जी हैं जी। ये माँ भगवान ये गेट कहाँ गया हुआ है? ये कक्ष भगवान का कक्ष कमरा। अच्छा ये पहले से ही था? आप जहाँ खड़े हैं मंदिर नहीं जी, गुफा है ये। गुफा में यहाँ भगवान जी ये हमेशा प्रभु के गले हमेशा प्रभु के गले से निकलता बन रहा है। तो इसका मतलब पता नहीं लगा कहाँ से निकल रहा है? मैंने आपसे बताया जहर पान किया भगवान ने जी जी जहर पान किया समुद्र मंथन किया तो बाद हलाल किया उन्होंने जहर पान करने बाद जब जहर उन्होंने पी लिया तो उनकी कंठ की जो गर्मी है जी जी वो जो है पसीना निकलता है जलन के मारे प्रभु के पसीना निकलता है। अच्छा जो विष पान किया था जी 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 प्रभु को कभी शांति नहीं मिली इस जगह पर शांति मिली तब प्रभु यहाँ पे प्रभु चल के आए हुए हैं। अष्टकुंडी यज्ञशाला है यहाँ यज्ञ होता था द्वारा। अच्छा अच्छा अष्टकुंडी यज्ञशाला जी इसका 1986 में सम्मत 286। अच्छा सम्मत 286 में हुआ था। सन 14 7 मंजिल का था ये टूट गया था ये भूकंप आया था सम्मत 1400 जी जी सम्मत 1400 उसमें ये भूकंप में गिर गया थी देखिए उससे खाली पड़ी। अच्छा ये इसी के खंडर रखे हुए हैं। हाँ ये स्लाइडिंग दरवाजा था ये। अच्छा नीचे आता था ऊपर चला जाता। अच्छा ये आठ मतलब ऊपर नीचे होता था इसको मालूम था तो उन्होंने मार दिया रहस्यमय हो गया। जी जी चलिए बाबा धन्यवाद जय भोलेनाथ। Where are you from? Italia. Italian? Okay, thank you for visiting here.
ये यहाँ पे दोस्तों एक तालाब है जिसको बोला जाता है तीरथ कोट। यहाँ पे सभी श्रद्धालु जो आते हैं वो स्नान भी करते हैं। और इसके बाद जो नीचे रास्ता दिख रहा है आपको, यही हिमरख धारा जाती है जहाँ भी हम लोग गए थे। और ये है राजा मानसिंह महल। सो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। गाड़ी दे दो और बोलो कि कूद गए।